स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी स्टूडेंट। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आप सीएसआर नेट गेट आईआईटी जेम या आईएएस ऑप्शनल या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो लाइक स्कूल पे फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड का एग्जाम होता है उनके वीडियोज मतलब उनके लिए जो सिलेबस है वो मेरे वीडियोज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो IIT-12 यहाँ पे जाके मेरे वीडियोज को देख सकते हैं और आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। और आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जो लिमिट होती है फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल वो क्या होती है और कैसे हम उसको निकालते हैं, ये मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो एक डेफिनेशन पढ़ते हैं और फिर हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को करते हैं। देखिए स्टूडेंट यहां पर क्या होता है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, अ फाइनाइट नंबर के इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ फंक्शन टू वेरिएबल एफ एक्स वाई। मतलब ये जो के है ये इस एफ एक्स वाई की लिमिट होगी एट पॉइंट ए बी If the difference between fxy and k, इन दोनों का difference, देखो ये इसकी limit है, तो इसका जो difference है, वो क्या होना चाहिए? बहुत छोटा होना चाहिए। Can be made as small as it satisfy for all values of fxy, for which the difference between xy at ab, अब देखो हो क्या रहा है, ये इसकी limit है, और किस point पे limit है? ab पे limit है, है ना? ab point पे limit है, तो sorry xy पे, और हम किस point पे ले रहे हैं? a कोमा b पे ले रहे हैं, तो इसका जो difference है, वो भी क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। so xy for which the difference between xy at ab is sufficiently small, it can be defined as, क्या होता है? for given epsilon, there exists a delta such that fxy minus k, मतलब इसका जो डिफरेंस है, देखो हम कोई भी पॉइंट रखेंगे, माना कि कोई पॉइंट मैं रखूंगा और उस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? के आ रही है, राइट? तो जिस पॉइंट पर इसकी वैल्यू के आ रही है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे, जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्स कोमा वाई टेंस टू वन कोमा टू, और यहां दे रखा है आपके पास 3x प्लस 2y, और आपके पास दे रखा है यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? 7 के बराबर आ रही है। तो आप देख रहे हो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3x प्लस 2y माइनस 7, इसका डिफरेंस भैया ये fxy और ये k है ना, ये fxy और ये k, इसका जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इसका जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन होना चाहिए। ये बोल रहा है यहाँ पे देखो, fxy माइनस k क्या होना चाहिए? एप्सिलॉन फॉर ऑल। अब क्या हो रहा है, ये x1 पे जा रहा है, 2y पे, तो क्या होगा? x माइनस 1 का जो डिफरेंस है वो डेल्टा, एंड y माइनस 2 का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? डेल्टा होना चाहिए, है ना? मतलब इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सो ये इसकी डेफिनेशन होती है कि जो भी फंक्शन, ये कहना चाह रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को डेफिनेशन समझने में दिक्कत आती है, तो fxy माइनस k मतलब यहां पे ये fxy माइनस k जो इसकी वैल्यू आ रही है, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? एप्सिलॉन होना चाहिए। फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जहां पर हम क्या करेंगे, ये x किस पे जा रहा है? a पे जा, मतलब 1 पे जा रहा, तो x माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन यहां पे डेल्टा, एंड y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा। तो ये इस कंसेप्ट से हम इसको करेंगे, पर नॉर्मल स्टूडेंट एक क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा इस डेफिनेशन से, फिर हम यहां पे कुछ अलग कंसेप्ट से, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं वो अलग टाइप के आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट एक क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से बताता हूं कि कैसे हम उसको करते हैं, है ना? और द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी एग्जिस्ट ओनली व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एक्स वाई, है ना? जब भी हम बात करेंगे लिमिट की, तो उस वाले केस में वो तभी एग्जिस्ट करेंगे जब वो क्या हो, उस एक्स वाई से क्या करे, इंडिपेंडेंट हो। तो ये सब चीजें क्या है, देखो ये थ्योरी है, थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आएगी, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, तो आपको दो मिनट में समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है, है ना? तो मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं, यहां पर कुछ कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। वो कंसेप्ट क्या है, जैसे ये एक्स माइनस ए है ना, तो मैं अगर मैं बात करूं तो इस एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा है, है ना? तो मैं बोलूंगा इसका जो होल स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, लेस देन डेल्टा ही होगा। यहाँ पे स्क्वायर की बात करेंगे, चलो मैं एक काम करो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आएगा। एक बार ये डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ द लिमिट
prove that, actually prove karna aapko yahan pe, prove that by the using the definition of the limit, that limit x comma y tends to 1 comma 2, 3x plus 2y is equal to 7. तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लगाते हैं, और एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के अंदर मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दे विषय भी दिया मैंने आपको, समझ में आया होगा, और मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे हम क्या करेंगे. सबसे पहले हम जानते हैं वी हैव टू शो दैट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, क्या होता है यहां पे, ये उधर आएगा तो यहां पे हम लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 7 लेस देन क्या आएगा यहां पे एप्सिलॉन. ओके सो देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट, क्या होता है यहां पे, x माइनस 1 इज लेस देन डेल्टा एंड y माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा. पर स्टूडेंट मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे जो लिमिट की डेफिनेशन जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें एक कंसेप्ट और होता है कि अगर x माइनस है तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर, और विच इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, है ना, ये इससे क्या होगा छोटा ही होगा, क्लियर है, तो उससे बड़ा होता है. तो ये y माइनस b जो है इसको क्या लिख सकते हैं y माइनस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेस देन इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके यहां पे अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके वैल्यू रखूं यहां पे, तो देखो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो 2 डेल्टा स्क्वायर आएगा, तो अल्टीमेटली इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अंडर रूट ऑफ 2 डेल्टा आएगी. तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पे जो वैल्यू आएगी आपके पास वो क्या आएगी, हम बात करेंगे यहां पे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जैसे मैं आपके सामने बोलूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आएगी, देखिए अंडर रूट ऑफ, हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है, डेल्टा स्क्वायर है, प्लस यहां पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी यहां पे, ये भी हमारे पास क्या आएगा डेल्टा स्क्वायर आएगा. तो मैं इसको एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको ढंग से समझाता हूं, एक बार इसको ऐसा समझ लीजिए आप ज्यादा अच्छा है. तो मैं आपको यूं समझा देता हूं यहां पे, देखिए हम क्या करेंगे यहां पे x माइनस 1 जो है इसको क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ क्या लिख सकते हैं इसको हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट. और हम जानते हैं यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 डेल्टा आएगी. तो मैं आपको पहले लिख देता हूं, देन y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू, ध्यान दीजिए इधर क्या आएगा यहां पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है. अब ध्यान दीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, आपको ये लेके चलना है यहाँ पे और हम प्रूव करेंगे यहाँ पे. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये दे रखा x प्लस 2y माइनस 7 हम लेके चलेंगे, राइट, और यहाँ पे माइनस 7 लगेंगे तो बाय ट्राइंगल हम लिखेंगे यहाँ पे बाय ट्राइंगल इनइक्वलिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं. तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से इसकी वैल्यू किसके बराबर है, देखिए आप बराबर इसको लिखेंगे 3x माइनस 3 प्लस 2y माइनस 4 लिख दूंगा मैं, अल्टीमेटली 3 और 4 7 होता है, बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं. और यहां पे इसकी जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट मैं यहां पे 3 कॉमन निकाल लेता हूं, तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर है, ये लेस देन इक्वल टू आएगा, मैं इसको लेस देन इक्वल टू लिखूंगा तो ये आएगा 3x माइनस 1, या इसको ऐसा लिखो ज्यादा अच्छा आएगा यहां पे 3, यहां पे लिखेंगे इसको ऐसा लिख दो 3x माइनस 3 प्लस यहाँ लिखेंगे 2y माइनस 4, देन यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे तो स्टूडेंट ये तो इसके बराबर ही आएगा, है ना, तो 3x माइनस 1 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा y माइनस 2. और स्टूडेंट मैंने आपको अभी आपको बताया था कि इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, x माइनस 1 की वैल्यू इसके बराबर होती है, तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा 3 अंडर रूट ऑफ, ये चूंकि लेस देन है तो यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू साइन आ जाएगा ना, तो मैं इसको लिख देंगे यहाँ पे लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू, देखो ये इसकी वैल्यू जो है वो इसके बराबर रख सकते हैं अपन, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ मैं लिखूंगा इसको क्या आएगा, देखिए यहाँ पे ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी 5. देखो ये मैं यहाँ पे बराबर लिखा फिर ये लेस देन लिखा फिर बराबर लिखा, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ध्यान रखना है ना, तो यहाँ पे ये इसके बराबर आ रहा, तो यहाँ पे कितना आएगा ये 5 अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर देन y माइनस 2 का होल स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी. देन स्टूडेंट हम जानते हैं यहाँ पे किसकी जो वैल्यू हमने क्या मानी डेल्टा मानी, तो ये डेल्टा स्क्वायर ये डेल्टा स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा ये 5, और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम तो 5 वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हम जानते हैं किसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी डेल्टा के बराबर आएगी, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ डेल्टा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3x प्लस 2y माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू, मैंने जो लिया था वो क्या लिया था, मैं यहाँ पे लेके चला था ये 3x माइनस 1
प्लस टू वाई माइनस टू, ये मैंने ट्रायंगल इनक्वालिटी से लिया था और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू आएगी वो किससे आएगी, 5। अभी मैंने आपके सामने बताया यहाँ पे ये डेल्टा स्क्वायर तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 डेल्टा स्क्वायर आएगी। तो हम लिख सकते हैं इसको 5 रूट 2 डेल्टा, और यहाँ पे जो डेल्टा है वो हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैं डेल्टा की वैल्यू क्या ले सकता हूँ स्टूडेंट, कुछ डेल्टा की वैल्यू ऐसी लूँ मैं, तो डेल्टा की वैल्यू मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 5 रूट 2 ये ले लेता हूँ। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एप्सिलॉन आ जाएगी। तो हमने अभी यहाँ प्रूव कर दिया कि जो 3x प्लस 2y माइनस 7 इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो बिल्कुल ये यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी लिमिट जो होगी वो क्या आएगी, 7 आएगी। आपको ये प्रूव करना था कि जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हम ये लेके चलेंगे और हम ये प्रूव कर देंगे कि 3x माइनस 2y माइनस 7 इज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट होगी वो ये होगी। तो इस तरीके से हम यहाँ इसको प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा डेल्टा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, जिसके लिए यहाँ पे ये एप्सिलॉन के बराबर होगा। और वैसे देखा जाए स्टूडेंट तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर एक्स वहाँ 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 3 आएगा, जहाँ वाई वहाँ 2 रखिए तो 4 आएगा, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, 7। तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। पर स्टूडेंट नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। चलो मैं एक क्वेश्चन और ऐसा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। सो स्टूडेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन हो, देखिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन पे, बाय यूजिंग एप्सिलॉन डेफिनेशन प्रूव दैट लिमिट एक्स वाई टेंस टू 2,3 एक्स वाई इज इक्वल टू 6 आपको प्रूव करना है। तो इसमें हम जानते हैं वी हैव टू शो दैट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट, आपको यहाँ पे ये हम देखो ये आता कैसे, मैं आपको बता दूँ, इसकी वैल्यू जो होती है वो लेस देन डेल्टा लेते हैं, इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा लेते हैं, और जब ये उठा के रखेंगे तो डेल्टा स्क्वायर तो रूट टू डेल्टा आएगा, और रूट टू डेल्टा जो होता है वो इससे छोटा होता है, सो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा हो जाएगा। तो इसको हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, इसको हम रूट टू डेल्टा भी लिख सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें यह प्रूव करना है कि एक्स वाई माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन, ये 6 इधर आएगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन के बराबर आएगी। हमें यह प्रूव करना है, तो हमें यह बताना है कि ऐसा डेल्टा यहाँ पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो नाउ बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी स्टूडेंट यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने वाले हैं। तो क्या आएगा, देखो ये 6 इधर आया तो एक्स वाई माइनस 6 देन एक्स वाई माइनस 6 में हम क्या करेंगे यहाँ पे 3x ऐड करेंगे और 3x सबट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, ना 3x जोड़ा और 3x माइनस किया, है ना। अब आपको ऐसा करना है जिससे कि यहाँ पे क्या आ जाइए, इसकी वैल्यू मतलब ये इससे डिविजिबल हो, इस टाइप से कुछ ऐड करें ताकि फैक्टर हो जाए इजीली यहाँ पे, ना। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से x कॉमन आ रहा तो y माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा तो x माइनस 2 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ देखो आप इन दोनों से x इस, अब यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाने वाले हैं, तो जब भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं ये लेस देन इक्वल टू हो जाता है ना, तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा मॉड x y माइनस 3 प्लस 3x माइनस 2 इज लेस देन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे x माइनस 2 इज लेस देन डेल्टा और y माइनस 3 इज लेस देन डेल्टा लिया, लीजिए डेल्टा की जो वैल्यू मान लीजिए वो 1 है, तो डेल्टा की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, तो स्टूडेंट 1 लेंगे तो x माइनस 2 इज लेस देन 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, x की जो वैल्यू होगी 1 और 3 के बीच में होगी। देखो कैसे होता है, ध्यान दीजिए x माइनस 2 मैंने बोला लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस 2 लेस देन माइनस 1 से 1, और जब 2 उधर जाएगा दोनों तरफ 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 और x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये आपके पास 3 आ जाएगा, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू क्या होगी 1 और 3 के बीच में होगी, और ऑब्वियसली मॉड x लगा सकते हैं बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, जो x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में, तो हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे, तो जहां पर भी मॉड x वहां क्या रख देंगे हम 3 रख देंगे। ओके, y माइनस 3 और 3x माइनस 2। अब स्टूडेंट y माइनस 3 और x माइनस 2 की जगह हम क्या ले लेंगे, डेल्टा और डेल्टा ले लेंगे। तो स्टूडेंट ये डेल्टा हो जाएगा, ये डेल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा विच इज लेस देन इक्वल टू 6 डेल्टा। स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा की वैल्यू हम लेंगे एप्सिलॉन बाय 6, हम चाहते हैं यहाँ पे कि एप्सिलॉन आ जाए, तो डेल्टा की वैल्यू क्या लेंगे हम एप्सिलॉन बाय 6, तो ये एप्सिलॉन बाय 6 लेंगे, 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई माइनस 6 ये इसके बराबर चल रहा है, इज लेस देन 6 इंटू एप्सिलॉन बाय 6, 6 से 6 कैंसिल, तो एक्स वाई माइनस 6 लेस देन एप्सिलॉन। तो हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि इसकी वैल्यू क्या, एप्सिलॉन छोटा है, और इसके लिए ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है। पर हम जानते हैं डेल्टा की डेफिनेशन, हमने डेल्टा में डेल्टा की वैल्यू हमने 1 भी ली है और हमने यहाँ पे क्या लिया, एप्सिलॉन बाय 6 भी लिया, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन दोनों का मिनिमम होता है ना, दो है तो इन दोनों में से कोई जो मिनिमम होगा वो लेंगे। तो स्टूडेंट ऐसा मिनिमम यहां पे क्या होगा, एप्सिलॉन बाय 6 ही आएगा। तो ऐसा डेल्टा यहां पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर इसकी जो लिमिट होगी वो किसके बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। इस तरीके से यहां पे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। अब स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट के ऊपर, है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, तो ये टाइप के भी पूछे जाते हैं और थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो मैं आपके सामने बताता हूं। तो स्टूडेंट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूं। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूं और आगे भी अपलोड करता रहूंगा। ये जो एप्सिलॉन डेटा डेफिनेशन है स्टूडेंट, जो रियल एनालिसिस की एक अलग से मैं सीरीज से स्टार्ट करने वाला हूं, वहां पर बाकायदा आपको पूरा इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों हम ऐसा करते हैं। बट यहां पर
इतना टाइम नहीं, बिकॉज अभी स्टूडेंट्स का एग्जाम है, इसलिए मुझे जल्दीबाजी में ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और स्टूडेंट की डिमांड के हिसाब से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। पर इसके अंदर पूरी जो कंसेप्ट है, जो CSR नेट लेवल का कंसेप्ट है, वो मैं अलग से पूरा लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो BSc वाले स्टूडेंट होते हैं, जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट और ज़्यादा डिप में जाने की जरूरत है। पर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए इतनी डेप्थ की जरूरत नहीं होती, उनको सीधा क्वेश्चन कैसे करना और डेफिनेशन क्या है उससे मतलब, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशन पूछा जाता है, न कि वहाँ पे इतने थ्योरी पूछी जाती है अंदर की। तो मेरा थोड़ा सा रीज़न है, इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको डेप्थ में लेके जा रहा हूँ। पर स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी प्योर मैथमेटिक्स पे अलग से सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे लीनियर अलजेब्रा है, मॉडल अलजेब्रा और रियल एनालिसिस, उस पर मैं काम करने वाला हूँ। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और स्टूडेंट, इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है, वो भी लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पे आने वाला है, जहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जो लिमिट कैसे निकालते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, माने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करते रहिए, सो दैट कि मैं आपके लिए आगे और भी अच्छे से मेहनत करता रहूं। और यहाँ पे जो वीडियो है, यहाँ पे जाके मेरे पुराने जितने भी प्लेलिस्ट है वो देख सकते हैं, और यहाँ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।